खोने का दुख या फिर सलाहकारों की चूक, अखिलेश यादव कर बैठे ये अहम पांच गलतियां। दुख की घड़ी में शायद अखिलेश को ना आया हो ख्याल, लेकिन राम गोपाल यादव और सलाहकारों का दिमाग क्यों नहीं चल पाया? क्या ये जानबूझकर किया गया? नेताजी की जननायक छवि को नहीं भुना पाए अखिलेश यादव और जल्दबाजी में कर बैठे कुछ ऐसा जो पड़ सकता है भारी। देखिए कहां पर कौन सी गलती कर बैठे अखिलेश यादव। अगर किया होता रणनीति से हर काम तो पार्टी को मिलता इसका बम्पर फायदा। नेताजी मुलायम सिंह यादव का शांति हवन भी हो गया और धीरे धीरे अखिलेश यादव अब पार्टी के मुख्य कार्यों की तरफ लौट रहे हैं। अखिलेश यादव ने बेहतरी से पुत्र धर्म का निर्वहन किया और सारे फर्ज भी अदा किए, विधि विधान से हर काम किया और एक आदर्श पुत्र की भूमिका अदा की। लेकिन अखिलेश यादव दुख की इस घड़ी में कुछ ऐसा कर गए जो पार्टी के लिए बम्पर फायदा करवा सकता था, लेकिन नहीं हो पाया और नेताजी की छवि को भुनाने का मौका भी नहीं मिल पाया। अखिलेश यादव पिता के दुख में डूबे थे ये तो सच है, इसलिए वो नहीं सोच पाए। लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव का दिमाग कहाँ गया था? अखिलेश यादव के सलाहकार क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे पाए? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कोई नहीं दे सकता। साथ ही सियासी जानकारों का कहना है कि ऐसा महसूस होता है कि जानबूझकर ऐसा अखिलेश यादव से करवाया गया हो। खैर जो भी हो, आइए एक एक कर जानते हैं कि अखिलेश यादव कहां पर कौन सी गलती कर बैठे। गलती नंबर एक, नेताजी की अस्थियों को चार्टर्ड प्लेन से हरिद्वार और प्रयागराज ले जाना। याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद बीजेपी ने अस्थि कलश यात्रा निकालकर पब्लिक की हमदर्दी को चुनावी मौसम में कैसे भुनाया था, लेकिन पूर्व सीएम अखिलेश यादव ये भूल गए। अंतिम संस्कार के बाद मुलायम सिंह की अस्थियों को लेकर परिवार के साथ हरिद्वार और फिर प्रयागराज तो गए, लेकिन चार्टर्ड प्लेन से। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश यादव को सैफई से हरिद्वार तक का सफर सड़क मार्ग से तय करना चाहिए था। इससे अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ताओं को मुलायम सिंह के निधन के बाद पैदा हुई सहानुभूति से जोड़ने का मौका मिलता। हरिद्वार जाते समय कई जिलों से होकर गुजरना पड़ता है, वहां के आम कार्यकर्ता भी अपने नेता को आसानी से श्रद्धांजलि दे सकते थे। इसी तरह प्रयागराज भी वो सड़क मार्ग से जाते तो पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने का मौका मिलता और चुनावी दौर में ये पार्टी के लिए मुफीद साबित होता। गलती नंबर दो, नेताजी के पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय न लाना। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय पर लाया जाना चाहिए था। चूंकि मुलायम सिंह यादव ने सपा की स्थापना की थी, इसको देखते हुए पार्टी कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाना चाहिए था। यदि उनके शव को पार्टी कार्यालय पर रखा गया होता तो यहां विधानसभा में भी उनके शव को ले जाया जाता। जिस तरह से बीजेपी ने कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा में अंतिम दर्शन के लिए रखा था, इसी तरह अखिलेश यादव भी पिता को वो सम्मान दे सकते थे जिसके वो पूर्व सीएम होने के नाते हकदार थे। अखिलेश के साथ साथ उनके सलाहकार और प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी इस गलती को सुधारने की सलाह नहीं दी, जो दिखाता है कि जैसे पर्दे के पीछे से अखिलेश यादव से जानबूझकर ये काम करवाए गए। गलती नंबर तीन, मुलायम की जन नेता वाली छवि को नहीं भुना पाए। मुलायम सिंह यादव यूपी ही नहीं देश के ऐसे नेता थे जो पक्ष हो या विपक्ष सबके साथ तालमेल बनाकर चलते थे। नेताजी एक जननायक तो थे ही, साथ ही उनके भीतर लोगों को जोड़ने की अद्भुत कला थी। सपा के कुछ नेताओं के नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव अपने पिता के पार्थिव शरीर को लखनऊ क्यों नहीं लाए, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ लाते तो यहाँ पूर्वांचल के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को अंतिम दर्शन करने का मौका मिल सकता था जो सैफई नहीं जा सकते थे। हालांकि उनके परिवार का ये मामला था और इसके लिए अंतिम फैसला उन्हें ही करना था। गलती नंबर चार, निधन के बाद सीधे सैफई जाना अखिलेश की चूक। अखिलेश यादव पिता मुलायम के पार्थिव शरीर को लेकर सीधे सैफई चले गए थे। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये अखिलेश की बड़ी चूक थी। अखिलेश को अपने पिता को लखनऊ लाना चाहिए था। मुलायम एक राजनेता के साथ ही जन नेता थे और जनता के बीच उनके लाखों चाहने वाले हैं। सैफई चूंकि मुलायम सिंह का घर था तो उन्हें वहां तो जाना ही था, लेकिन यदि अखिलेश उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ लाते तो वो हजारों कार्यकर्ताओं को नेताजी के निधन के बाद पैदा हुई सहानुभूति से जोड़ सकते थे। गलती नंबर पाँच, पूरे प्रदेश में सपा करेगी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। हालांकि समाजवादी पार्टी अब पूरे प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का प्लान बना रही है, जो सांप निकलने के बाद लकीर पीटने वाली बात साबित हुई। जो भावनाएं नेताजी के अंतिम संस्कार के वक्त लोगों की जुड़ी हुई थी वो अब नहीं रही। आम जनमानस भी इसमें तब हिस्सा लेकर पार्टी के प्रति सहानुभूति रखता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये वो पांच गलतियां हैं जो अखिलेश यादव से दुख की घड़ी में स्वाभाविक थी, लेकिन पार्टी के सलाहकार और वरिष्ठ नेताओं का दिमाग कहां गया था? किरण मेनंदा, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और प्रदेश अध्यक्ष कहां थे? इन नेताओं ने आखिर अखिलेश यादव को ये सलाह क्यों नहीं दी?
ये गलतियां पार्टी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।